थ्योरम का पहले स्टेटमेंट करने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग थ्योरम को एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये आपका पूरा ज्योमेट्री का हर पार्ट इसमें यूज होगा। पहला, दूसरा डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन और सिंगल इंटीग्रेशन यूज होगा आपका। इसीलिए ये टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा सारा चीज को यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले हम आपको ग्रीन थ्योरम बताएंगे, सबसे पहले प्लेन का, फिर इसका एप्लीकेशन सिखाएंगे, स्टॉक्स थ्योरम का एप्लीकेशन सिखाएंगे, फिर गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम का एप्लीकेशन सिखाएंगे। फाई, ये आपका क्या है, फाई एक्स वाई, एक फंक्शन मान लीजिए, यहाँ पे कुछ भी फंक्शन मान सकते हैं हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिए हैं, यहाँ पे पी एक्स वाई भी मान सकते हैं। ये फाई जो है वो आपका एक्स वाई फंक्शन है, मतलब प्लेन में है, मतलब यहाँ पे दो ही पर आपका इन्वॉल्व होगा, जेड इन्वॉल्व नहीं होने वाला यहाँ पे। ठीक है, आपको पहले बता चुके हैं ये कैसा प्लेन में है, आपका एक्स वाई प्लेन में, इसलिए आपको यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल आपका आएगा ही नहीं आएगा, हमेशा आएगा आपका डबल इंटीग्रल तक आएगा आपका। फाई एक्स वाई एंड फाई साइंस, ये आपका क्या है, साई एक्स वाई। ठीक है, साई ऑफ एक्स वाई, एक आपका फाई एक्स वाई एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन क्या आपका साई एक्स वाई, आपका दिया हुआ फंक्शन होगा उसको लेना है आपको। और ये क्या है, इसको आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, इसको क्या करेंगे आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, और इसको क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में लोग पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। ठीक है, और ये जो पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस ओवर द रीजन आर, मतलब जो रीजन दिया हुआ रहेगा कंडीशन में वो हमेशा उसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस होगा आपका वो, मतलब अगर आपको आपको पता होगा पॉलीनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता ही है, तो आपको देख लेना है कि आपको रेंज क्या है उसका, बाउंडेड पार्ट क्या है उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कर्व कैसा होगा आपका, सिंपल क्लोज कर्व होगा। ठीक है, ये सिंपल क्लोज कर्व होगा इन इन सी एन, क्लोज कर्व सी है इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे यहाँ पे क्या है, सरफेस इंटीग्रल, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाइव डी एक्स, पहला का क्या होगा फाइव डी एक्स, और इसका क्या होगा साइन डी वाई, इक्वल टू क्या होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्या होगा फाइव डी एक्स का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे, फाइव डी एक्स का वैल्यू आपका क्या होगा यहाँ पे साइन बाई डेल एक्स माइनस डेल फाइव बाई डेल एक्स, ये आपका यही थ्योरम्स का पार्ट है, इसी को हम लोग को यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करेंगे, आप सबसे पहले हमको एक एक पार्ट बताते हैं, सबसे पहले आपको क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दिया हुआ होगा फाइव एक्स वाई और साइन एक्स वाई को मान लेंगे आप। इसको मानने के बाद आप क्या करेंगे, इसका आपको पार्शियली डिफरेंशिएशन कर लेना है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसको इस थ्योरम में पुट कर देंगे, आपका इसमें वैल्यू आ जाएगा। ये सरफेस का होगा, ये सरफेस का होगा, एस मतलब स्टैंड फॉर सरफेस, ये पहला सरफेस का देंगे और दूसरा उसका जो रेंज होगा उसको देंगे। ठीक है, अगला है स्टॉक्स थ्योरम। देखें आप, स्टॉक्स थ्योरम क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कंपोनेंट, मान लेते जो भी सरफेस इंटीग्रल है उसका अगर कंपोनेंट दिया ऑफ कर्ल, कर्ल का अगर हम लोग क्या लें सर, उसका कंपोनेंट लें अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस एस एस के जस्ट ऊपर, कर्ल का वैल्यू जो हम लोग कंपोनेंट लें टेकन ओवर द सरफेस एस बाउंडेड बाय द कर्व, और वो बाउंडेड किससे किया जाएगा, कर्व सी से, कर्व सी इज इक्वल टू, ये किसका इक्वल होगा, इसका लाइन इंटीग्रल का, मतलब ये आपको सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल का रिलेशन को बताता है। ये स्टॉक्स थ्योरम क्या बताता है, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के आपको रिलेशन को बताता है, और ये आपका क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, और ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए आप, इसका सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ इंटू डी आर, मतलब टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या होगा आपका, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ म्यू इंटू डी एस। ठीक है, यहाँ पे एन का भी म्यू का वैल्यू आपका दिया हुआ, कॉस अल्फा आई कॉस बीटा जे कॉस गामा के, ये आपका होता है। अब आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये आपका क्या बता रहा था, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल का रिलेशन बताएगा, ये आपका सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल का क्या करता है बताएगा, रिलेशन बताएगा आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, ये आपका दो, ये वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में बताएगा और सरफेस इंटीग्रल, इफ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ योर वेक्टर फंक्शन टेकन अराउंड क्लोज कर्व, क्लोज सॉरी कल क्लोज सरफेस, यहाँ पे क्या एस क्लोज सब, यहाँ पे क्या है इसका सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस, यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस का नाम इसलिए पड़ा डाइवर्जेंस क्योंकि वो क्या होगा उसका वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम इंटीग्रल का जो डाइवर्जेंस होगा वही लिखा हुआ डाइवर्जेंस एफ टेकन ओवर द वॉल्यूम वी। ठीक है, इनक्लोज बाय द सरफेस एस वो आपका इसका इक्वल होगा, इसका मतलब ये जो गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम आपका आप देख लें, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल और किसके बारे में बताता है वॉल्यूम इंटीग्रल का, दोनों का रिलेशन को बताता है। इसके पार्ट को आपको याद रखना है, पहले एफ निकालना फिर आपका एन डी एस निकालना, आपको पता होगा कैसे निकालते थे ये वाला ये वैल्यू, ये आपको हम बता चुके हैं निकालने के लिए। ये आपको छह सरफेस जो भी दिया हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक थ्री डी फिगर मिलेगा, थ्री डी मतलब एक सॉलिड फिगर मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको क्यूब। ठीक,
इसका पहला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, इवैल्यूएट इवैल्यूएट आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ आपका 2x² - y² इंटू क्या है dx प्लस क्या होगा हम लोग के पास x² y² इंटू dy। इसके बाद लिखा हुआ है वेयर c इज द बाउंड्री, where c is the boundary of the surface, boundary of the surface in the xy plane, enclosed by the x-axis, and the semicircle, y equal to root under 1 minus क्या है x². ये आपका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे समझेंगे इस पार्ट को, क्वेश्चन क्या दिया आपका। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, जो हम लोग साइन लेते थे उस साइन को लेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग साइन जो लेते थे उस साइन को लेंगे, फिर हम लोग जो है साइन लेते थे तो यहाँ पे क्या आ जाता था आपका थ्योरम, इसको देखे होंगे आपका, यहाँ पे आ जाता था आपका क्या साइन dx, या तो इसको PdxQdy लिखेंगे। अब दोनों में एक कर सकते हैं आप, यहाँ पे हम अलग चीज़ मान लेते हैं, पहले वहाँ पे हम साइन और फाई माने थे थ्योरम्स में, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आप सबसे पहले हम क्या किए थे, इसका क्या माने थे, फाई माने थे, फाई इंटू डी एक्स, और ये क्या माने थे, साइन इंटू डी वाई, ठीक है। तो आप फाई भी ले सकते हो और साइन भी ले सकते हो, जो भी आपको लेना है, ठीक है। हम यहाँ पे अपना सहूलियत के हिसाब से पी ले रहे हैं आपको, क्योंकि हम लोग डेल्टा पी डेल्टा एक्स हम लोग आसानी से निकालते हैं, इसलिए हम लोग को जाना हुआ कोई फंक्शन मान लेते हैं। तो यहाँ पे लेट पी इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग, क्या है ये पी इक्वल टू, ये वाला पार्ट है क्या है 2x² - क्या आपका वाई का स्क्वायर। अब हम लोग को बताए थे आपको p को हम लोग यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा वाई इक्वल टू क्या था आपका, ये तो आपका जीरो हो जाएगा आपका, और ये क्या जाएगा आपका -2, ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपको हम लोग क्या लेते थे, q लेते, q इक्वल टू क्या होगा आपका x² + क्या होगा आपका y², और ये क्या होगा आपका डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एक्स। तो इसको जब निकालेंगे तो ये क्या आपका आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। अब द रिक्वायर्ड इंटीग्रल, ठीक है, हम लोग जो रिक्वायर्ड इंटीग्रल लेते हैं, याद करें आप थ्योरम से, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इक्वल टू क्या होगा आपका, इक्वल टू क्या होगा आपका c, और ये आपका क्या होगा PdX + क्या होगा आपका QdY, ठीक है, ये आपका होगा। अब इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इसको ये क्या आपका सरफेस होगा इंटीग्रल आपका, और ये डबल इंटीग्रेशन होगा उसमें, और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा वाई इंटू क्या होगा डी एक्स इंटू क्या होगा आपका डी वाई, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को इंटीग्रेशन का वैल्यू को देखना है, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे इंटीग्रेशन का वैल्यू को हम लोग को देखना है। तो आपको देखेंगे इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा आपका, उस चीज़ को देखेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखना आपका कर्व क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक कर्व तो मिल गया हम लोग को, ये जो एक का इंटीग्रेशन का वैल्यू हमको मिल जाएगा, यही आपका मिल जाएगा, ये पहला का हम लोग जो सरफेस मिला हुआ है, ये सरफेस मिल गया, कैसा सरफेस है आपका सेमी सर्कल, तो ये इसका सरफेस का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1 - x² अब हम लोग अगर दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा का जो फल जो आपका वैल्यू होगा, ठीक है, दूसरा का वैल्यू होगा क्या होगा वो देखेंगे। मतलब ये इसका तो हम लोग का सरफेस का मिल गया, अब इसका हम लोग रेंज खोजेंगे। तो लिखा हुआ है क्या, देखिए यहाँ पे वेयर सी इज द बाउंड्री, सी यहाँ पे क्या है आपका बाउंड्री तक वो टच करेगा,
ऑफ द सर्फिस, और आप सर्फिस ऑफ एंड द एक्स वाई प्लेन। अब बताए थे आपको अगर ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का फिगर आपको पता होगा कैसे बनता है, ठीक है। सेमी सर्कल और आपको कैसा है, आपको एक्स एक्सिस में बाउंडेड है, आपका एक्स एक्सिस से बाउंडेड ये आपका है, तो ये पूरा सेमी, ये तो सर्कल होगा आपका, ये आपका क्या होगा सर्कल होगा, ये आपका क्या है इधर आपका नहीं होगा, सेमी सर्कल का पार्ट है आपका, ठीक है। और इसका इक्वेशन आपका दिया हुआ है आपका, ठीक है। ये बाउंडेड किससे है आपका, इसे बाउंडेड किससे है आपका, ये बाउंडेड जो होगा ये किससे होगा, ये बाउंडेड जो होगा आपका एक्स एक्सिस से। आप यहाँ पे देखेंगे इसका वैल्यू क्या होगा, आपका देखेंगे वाई इक्वल टू क्या है, देखेंगे वाई इक्वल टू दिया हुआ कितना आपका रूट अंडर क्या आपका वन माइनस एक्स इसका स्क्वायर, यहाँ पे इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा वन। अब बताइए सर्कल का रेडियस, सर्कल किससे घूम रहा है आपका ओरिजिन से, और इसकी रेडियस क्या होगा आपका वन, आपको पता होगा इसी चीज़ को हम बता रहे थे आपको। ये सर्कल कैसा होगा आपका, ये सर्कल का इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर व्हेन द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हमको सेमी सर्कल लेना है, मतलब हम लोग को ये सर्कल लेना है, ठीक है, इतना ही हम लोग को एरिया निकालना है। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन, तो सरफेस तो मिल गया है हम लोग को, ये इंटीग्रेशन कितना होगा बताइए, ये इसका वैल्यू क्या होगा आपका, कोऑर्डिनेट 1 0 होगा, और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा आपका -1 0 होगा। तो यहाँ पर भी इसका मिल गया हम लोगों का, इसका क्या होगा -1 से लेके 1 तक, और दूसरा क्या होगा आपका सरफेस होगा, मतलब जो आपका सरफेस दिया हुआ है क्योंकि सरफेस का इंटीग्रेशन देखना पड़ता है इसमें, तो यहाँ पे होगा आपका कितना -1 से लेके 1, और दूसरा क्या होगा सरफेस क्या आपका देखें, तो सरफेस क्या होगा आपका 0 से क्या होगा आपका 1 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू पुट कर दें आप, इसका वैल्यू कितना होगा देखिए आप डेल्टा, तो 2x-2y ये क्या आपका आएगा 2x-2y इंटू क्या होगा आपका dx into dy, ठीक है, dx into क्या होगा dy। अब हम लोग यहाँ से 2 बाहर कर लेते हैं, तो 2 जैसे ही बाहर करेंगे हम लोग तो यहाँ से हम लोग के पास आएगा -1 से 1 आएगा, यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा, 0 से क्या आएगा आपका 1 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर, और ये आपका x-y होगा इंटू dx into क्या होगा आपका dy होगा। अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास यहाँ पे -1 प्लस होगा क्योंकि हम लोग के पास ये वैल्यू जो है आपका यहाँ प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो, तो वाई का वैल्यू आपका क्या है माइनस, देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू -2y है, -1 क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। अब हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आप देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है दूर दूर के साथ होता है, इसमें आपका डबल इंटीग्रेशन का रूल आप समझ लें। सबसे पहले तो क्या होगा आपका इसका इंटीग्रेशन होगा, इस रेंज का होगा, दूर दूर के साथ होता है आपको पता होगा, फिर नज़दीक नज़दीक के साथ, इसका मतलब सबसे पहले जो इसका इंटीग्रेशन होगा पहले किसका होगा dy का इंटीग्रेशन होगा, मतलब dy के रिस्पेक्ट में होगा, ये वाला वैल्यू को ये उसके बाद ये वाला वैल्यू पुट होगा, ठीक है, ये आपका इसमें जाएगा आपका ये वाला वैल्यू आपका पुट होगा, पहले dy के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे और वो वैल्यू को फुट करेंगे, ठीक है, बाकी dx बच जाएगा आपका। तो क्या होगा आपका देखें, ये आपका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो 2 ही आएगा आपका, और ये आपका -1 से 1 आएगा आपका। जब इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये इंटीग्रेशन आपका एक ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे y की जगह में करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका एक्स वाई हो जाएगा, ये आपका क्या होगा एक्स वाई होगा, और दूसरा जो होगा आपका क्या होगा वाई स्क्वायर पर क्या आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका डी एक्स बचा हुआ रहेगा, और ये आपका क्या होगा 0 से क्या होगा 1 माइनस क्या होगा एक्स का स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ वैल्यू है, कौन सा वैल्यू आप रिस्पेक्ट में किए वाई का, तो वाई का वैल्यू आप पुट करेंगे कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई की जगह पुट करेंगे आप, तो इसको पुट कर दें आप तो 2 क्या होगा -1 से 1, और वाई की जगह में ये पुट होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई क्या होगा 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू क्या होगा आपका डी एक्स, आपको टी इक्वल टू क्या लेंगे आपको पता होगा सब्सटीट्यूशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका 2x-2x, फिर इस तरह करके आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डी टी का वैल्यू डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या होगा डी टी बाई -2x इंटू क्या होगा आपका डी एक्स, और ये आपका कट जाएगा आपका 2 यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे कट के आपका इंटीग्रेशन आएगा, जो इंटीग्रेशन करके जो आपका वैल्यू आएगा उसको भी लिख देते हैं आपको, ठीक है, ये इंटीग्रेशन करके आपका जो होगा -1/3, ये कितना आ जाएगा आपका वाई -1/3 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस क्या होगा एक्स का स्क्वायर का होल टू दी पावर क्या होगा 3/2 प्लस इसका क्या आ जाएगा, इसका तो आपको 1 का क्या होगा एक्स आ जाएगा आपका 1 का एक्स, और एक्स का क्या होगा आपका x³/3, ये आपका आएगा 0 से कितना बैठेगा -1 से लेके 1 बैठेगा। पूरी को आप पुट करेंगे वैल्यू, जब वैल्यू पुट करेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 इंटू
माइनस वन बाई थ्री, एक बार आप जो है पुट करेंगे टू बाई थ्री, यहाँ भी वन माइनस वन बाई थ्री आएगा आपका, सॉरी माइनस वन बाई टू, सॉरी वन बाई टू आएगा आपका, वन बाई टू, और ये आपका होगा वन माइनस वन बाई थ्री। इसको कैलकुलेशन खुद से कर लें आप, वन माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई टू, और ये आपका क्या होगा माइनस वन बाई टू, और ये आपका होगा माइनस वन प्लस क्या होगा वन बाई थ्री, ये आपका आ जाएगा क्या, ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे टू बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री, ये आ जाएगा आपको। ठीक है, इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर कितना निकल जाएगा आपका फोर बाई थ्री, ये आपका इसका आंसर। इवेल्युएट, इसी थ्योरम्स को यूज करना आपको, इवेल्युएट इवेल्युएट करना है किसका आपको, सी ये आपका डबल इंटीग्रेशन में भी आता है। ठीक है, इसलिए आपको डोंट वरी, ये आपको थ्योरम्स के व्यू से हम बता रहे हैं, अगर आपको डबल इंटीग्रेशन भी दिया जाएगा तो आपको ऐसे ही बनाएंगे आप, जैसे आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, यहाँ पे थ्री एच स्क्वायर माइनस एट वाई स्क्वायर इंटू क्या आपका डी एक्स प्लस फोर वाई माइनस सिक्स एक्स वाई, सिक्स एक्स वाई इंटू क्या आपका डी वाई। ठीक है, ये डी वाई, ये आपका वैल्यू दिया हुआ है, वेयर सी इज द, वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ, वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ, वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द रीजन, बाउंड्री ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, बाउंडेड बाय द पैराबोला, बाय द पैराबोला, पैराबोलास वाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स एंड y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इसका कर्व के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग जो है इनिशियली जो p और q लेते हैं उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग ले लेते हैं, पहले लेट p इक्वल टू जो लेते हैं, p इक्वल टू क्या होगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर, और q इक्वल टू क्या होगा हम लोग के पास माइनस एट वाई का स्क्वायर। तो x के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग करेंगे तो क्या होगा डेल्टा पी वाई क्या होगा आपका डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा पी वाई क्या होगा हम लोग के पास डेल्टा, सॉरी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा आपका एट वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आपका है फोर वाई माइनस सिक्स एक्स वाई, फोर वाई माइनस सिक्स एक्स वाई, ये आपका है। इसको हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका कितना होगा एट टू जा सिक्सटीन वाई हो जाएगा आपका, और नेक्स्ट इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं डेल्टा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका, ये आपका क्या होगा एक्स होगा मतलब क्या होगा माइनस सिक्स वाई होगा। ठीक है, ये आपका निकल गया, एक आपका सिक्स वाई ये निकलेगा। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इसका, तो यहाँ से आपको पता होगा क्या होता है पी इंटू डी एक्स प्लस क्या होगा आपका क्यू इंटू डी वाई, ये आपका होगा। इसका वैल्यू को पुट करेंगे आप, सरफेस होगा फिर इंटीग्रेशन होगा इसका, पी का वैल्यू क्या आपका डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एक्स ये माइनस डेल्टा पी बाई क्या होगा डेल्टा वाई इंटू क्या होगा वाई क्या होगा इंटू क्या होगा डी एक्स इंटू डी वाई होगा। ठीक है, सारा का वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, तो पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा देखें, यहाँ पे पुट करने के बाद वैल्यू क्या आएगा आपका इस चीज़ को देख लें आप, तो पुट करेंगे तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा हम लोग के पास ये, अब निकाल एस का वैल्यू हम लोग के पास दिया हो। ठीक है, एस के लिए हम लोग के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस का वैल्यू ये आपका दिया हुआ वाई इक्वल टू, ये दिया हुआ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर से क्या दिया हुआ वाई इक्वल टू रूट अंडर, ये तो दिया हुआ, ये हमको लिमिट को फाइन करेंगे अभी कर्व के व्यू से। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना आपका माइनस सिक्स वाई, और दूसरा क्या आपका डेल्टा पी बाई डेल्टा वाई, वाई का कितना माइनस सिक्सटीन वाई, तो क्या होगा आपका सिक्सटीन वाई इंटू क्या होगा आपका डी एक्स इंटू क्या होगा आपका डी वाई। यहाँ पे इंटीग्रेशन बहुत ईजी होगा आपका, तो यहाँ पे कितना कितना हो जाएगा टोटल देखिए आप, सिक्सटीन में तो यहाँ पे टेन आ जाएगा आपका। ठीक है, ये कितना निकलेगा आपका टेन। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको वाई इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर से वाई इक्वल टू क्या है रूट अंडर एक्स, और ये आपका क्या होगा टेन वाई इंटू क्या होगा आपका डी एक्स इंटू डी वाई, ये आपका आ जाएगा आपका। अब यहाँ से हम लोग टेन को बाहर कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे टेन को यहाँ पे कोई काम नहीं है हम लोग के पास, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वाई इंटू डी एक्स इंटू क्या होगा डी वाई। ठीक है, ये आपका टेन को बाहर करेंगे। अब इसको हम लोग देखेंगे रेंज निकालेंगे, ठीक है, इसका रेंज क्या होगा आपका कहाँ से कहाँ तक हो। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो पैराबोला कैसा कैसा पैराबोला उसको देखेंगे हम लोग,
पहले दिया हुआ आपका वाई इक्वल टू क्या आपका एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो पैराबोला होगा आपका अपवर्ड पैराबोला होता है, पता होगा ये आपको इक्वेशन, आपको वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला होता है, ये आपका वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अगला क्या दिया, वाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स, तो रूट अंडर एक्स का मतलब आप समझेंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एक्स, ये आ जाएगा, ये क्या होगा आपका राइट हैंडेड पैराबोला होगा, ये क्या होगा आपका राइट हैंडेड पैराबोला, ये आपका हो गया क्या राइट हैंडेड पैराबोला, ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा वाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स। अब हम लोग के पास ये सैडेड पार्ट हो गया हम लोग के पास, इसी का हम लोग के पास वैल्यू को देखना है हम लोग, ये वैल्यू को इसी से हम लोग को सरफेस इंटीग्रल निकालना है इसी को, इसकी आपका सी है। अब यहाँ से ये हम लोग देखेंगे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका कहाँ क्या है, ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इंटरसेक्शन क्या होगा देखें, जब इसका वैल्यू को पुट करेंगे y इक्वल टू क्या होगा आपका y इक्वल टू क्या रूट अंडर x, तो ये आपका आ जाएगा क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर x, यहाँ से आपका होगा एक्स स्क्वायर एक्स का क्यू एक्स एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका जीरो, तो एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू वन, जीरो से वन मतलब इसका जो होगा वन वन होगा, ठीक है। अब हम लोग के पास x का वैल्यू निकल गया, क्या निकला जीरो से वन, अब यहाँ पे हम लोग जीरो से वन को पुट कर लेंगे जीरो से वन, अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे पहला हम लोग इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट, ठीक है, अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तभी हम लोग के पास ये वैल्यू पुट होगा, ठीक है, हम लोग के पास पहले हम लोग y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं जीरो से वन होगा आपका, और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या होगा आपका वाई स्क्वायर बाय क्या होगा टू, और इसका जो वैल्यू निकलेगा आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, ये आपका रूट अंडर एक्स होगा, और ये आपका बच जाएगा आपका डी एक्स, इसको आप पुट करते हैं आप वैल्यू, जब इसका वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा टेन, ये तो आपका बाहर आ जाएगा, ये आपका फाइव हो जाएगा आपका, जीरो से वन होगा ये आपका पुट होगा रूट अंडर एक्स, तो ये आप क्या होगा एक्स होगा, और ये दूसरा कर केस में क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर मतलब एक्स पावर फोर इंटू क्या होगा आपका डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दें आप, फाइव इंटू क्या होगा आपका एक्स की एक्स का स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स पावर फाइव बाई क्या होगा आपका फाइव इंटू जीरो से वन पुट कर देंगे आप, वन पुट करेंगे तो आपका क्या होगा फाइव बाई, ये आपका वन बाई टू माइनस वन बाई फाइव होगा। एलसीएम ले लें आप, एलसीएम लेंगे तो आपका क्या होगा एलसीएम लेंगे फाइव होगा, ये आपका टेन होगा, फाइव माइनस क्या होगा टू इक्वल टू और थ्री बाई टू इक्वल टू आपका क्या आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है। क्वेश्चन दे रहे हैं हम एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ आपका एक्स वाई प्लस क्या आपका वाई का स्क्वायर इंटू क्या आपका डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, ये आपका वैल्यू को दिया हुआ है, और ये जो वैल्यू आपका है सीधा क्लोज कर बाउंडेड बाय द बाउंडेड किससे आपका यार जो ये बाउंडेड होगा वो क्या होगा आपका बाउंडेड बाय कर्व का वैल्यू दिया हुआ वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू क्या आपका एक पैराबोला एक आपका लाइन है, ठीक है। नंबर फोर चौथा क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपका ये सी है, ये आपका टू एक्स क्यूब टू एक्स वाई टू एक्स वाई माइनस क्या आपका क्यूब है ये इंटू क्या होगा आपका डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई इंटू क्या होगा डी वाई, और ये जो होगा सी जो बाउंड्री है, और ये आपका क्या क्या है दो सर्कल दिया हुआ है इसमें आपका कलर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन, और अगला दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आपका वन, ये आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए आप, क्वेश्चन नंबर फाइव में जो है आपका क्या दिया हुआ आपका ये दिया हुआ आपका एक्स प्लस वन, ये आपका सी है एक्स प्लस वन, ये आपका है इंटू डी एक्स सॉरी ई टू द पावर एक्स भी यहाँ पे ई टू द पावर एक्स इंटू क्या आपका डी एक्स प्लस एक्स इंटू ई टू पावर एक्स प्लस वन इंटू क्या आपका डी वाई, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। और सर इसमें दो चीज़ दिया हुआ आपका, एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहला आपका सर्कल है, दूसरा इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ। अरे सबको दिखेगा क्या हमको लिखना है लग रहा है इसमें हमको क्या आपको लगता है अगरबत्ती जलाना है इसके ऊपर। ओके सो नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन फ्रॉम स्टॉक्स थ्योरम मीन्स एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक्स थ्योरम application of stocks theorem. आप इसमें क्वेश्चन समझे, यहाँ पे सबसे पहला मैं क्वेश्चन आपको इसमें डिस्कस कर रहे हैं आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ये आपका दिया हुआ है,
और ये आपका कर्ल है आपका, इट क्रॉस क्या आपका कर्ल का वीडियो आपका ये आएगा आपका। उसके बाद दिया हुआ है इनटू डीएस, ठीक है, इज टेकन ओवर द, इज टेकन ओवर द, ओवर द पोर्शन, टेकन ओवर द पोर्शन ऑफ द सरफेस, ऑफ द सरफेस, ऑफ द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस टू ए एक्स माइनस टू सी जेड माइनस टू सी जेड इक्वल टू इक्वल टू जीरो, हुज बाउंडिंग कर्व, हुज बाउंडिंग कर्व, हुज बाउंडिंग कर्व इज इन द प्लेन, इज इन द प्लेन, इज इन द प्लेन जेड इक्वल्स टू क्या आपका जीरो, एंड एफ इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका, एफ इक्वल टू दिया हुआ है, एफ इक्वल टू दिया हुआ आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस क्या आपका एक्स का स्क्वायर इंटू आई प्लस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस क्या आपका वाई स्क्वायर, और ये आपका क्या है जी आप प्लस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर ये क्या आपका के, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है, इसको आप लोगों को क्या करना है सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है आपका प्लेन का वैल्यू आपका जेड इक्वल टू दिया हुआ है प्लेन, द प्लेन जेड इक्वल टू जीरो इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट्स द गिवन सरफेस, द गिवन सरफेस, ये गिवन सरफेस में क्या होगा आपका इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब ये सरफेस में जेड का वैल्यू जीरो पुट करेंगे आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस क्या होगा टू सी इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये आपका निकल गया आपका। नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग इस चीज़ का वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है, हम लोग का यहाँ पे जो इसका वैल्यू फाइंड करेंगे जो इसका इंटीग्रल से इंटीग्रल होगा सरफेस इंटीग्रल जिसका होगा आपका, ठीक है, आपका इसका जो होगा, ठीक है, क्रॉस द इसका जो होगा आपका ये लिखते हैं, ये आपका क्या होगा डीएस, और ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका सरफेस इंटीग्रल, ये जो लाइन इंटीग्रल का होगा आपका ये क्या होगा सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल क्या आ जाएगा आपका लिखते हैं यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, और यहाँ से आ जाएगा आपका क्या पी, और ये आपका रिवर्स ऑफ डेल क्रॉस एफ, क्रॉस एफ इंटू एफ इंटू डीएस, ठीक है, ये आपका इसका इक्वल होगा, और पी इज द एरिया ऑफ, वेयर पी इज द एरिया ऑफ सर्कल, पी जो है आपका एरिया ऑफ सर्कल वो आपका सर्कल का इक्वेशन है आपका, एरिया ऑफ सर्कल क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या आपका वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ सर्कल है। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं वैल्यू इसका, किसका निकालते हैं डेल क्रॉस एफ, ये वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, आपको पता होगा कैसे निकाला जाता है इसका वैल्यू, ये आपका आई होगा, ये जी होगा, ये क्या होगा आपका, ये आपका वैल्यू आ जाएगा आई जे के, पहला तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है डेल बाय डेल एक्स आएगा, फिर दूसरा भी क्या होता है डेल बाय डेल वाई होता है, और फिर डेल बाय क्या होगा आपका डेल सेट होगा। अब यहाँ पे देखें पहला वैल्यू कितना दिया हुआ है, उस वैल्यू को देखेंगे आप, ये क्या होगा आपका वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका जेड स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, दूसरा वैल्यू कितना दिया हुआ आपका जेड स्क्वायर प्लस क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस क्या वाई स्क्वायर, और तीसरा वैल्यू क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या आपका जेड का स्क्वायर, ये वैल्यू आपका दिया हुआ है। सारे को वैल्यू को कैलकुलेशन करें, जिसे आपको कैलकुलेशन इसका कर्ल का वैल्यू कैलकुलेशन सिखाया है,
सारे का कैलकुलेशन करेंगे, यू एस के साथ आई लेके जे लेके पूरा कैलकुलेशन करेंगे। ये जो कैलकुलेशन करेंगे आप पूरा, ये आपका क्या आ जाएगा, आपका ये तो आई होगा, ये आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, क्या आएगा हम डायरेक्ट लिख देते हैं। आपको यहाँ पे ये लेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, इसको हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे पार्शियली, तो ये क्या आपका आ जाएगा टू वाई, और ये आपका क्या होगा जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये आपका क्या होगा टू जेड, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। ये फिर होगा आपका माइनस जे, और इसमें क्या होगा ये वाला पार्ट होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये आपका ये आ जाएगा, ये वाला पार्ट में आपका क्या होगा, हम लोग ये कवर करेंगे, ठीक है, ये हम लोग अगर कवर करेंगे तो आपका जो पार्ट बचेगा क्या बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर जब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी इसको जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या आपका आ जाएगा टू जेड, और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका टू जेड प्लस क्या आपका आ जाएगा टू एक्स आ जाएगा, ये वैल्यू आपका आ जाएगा नेक्स्ट, सॉरी टू जेड माइनस टू, टू जेड माइनस टू एक्स, टू जेड माइनस टू एक्स ये आ जाएगा, सॉरी टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्लस क्या होगा के, के में क्या आ जाएगा आपका, देखिए ये आ जाएगा आपका, ये आपका एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में आपका क्या टू एक्स, और इसका होगा वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा आपका टू वाई, तो ये वैल्यू आपका निकल के आ गया हम लोग के पास, तो ये निकल गया आपका। अब यहाँ पे हम लोग को डेल क्रॉस एफ निकालेंगे, डेल क्रॉस एफ जो है आपका वैल्यू जो होगा आपका, यहाँ पे जेड इक्वल टू जीरो है हम लोग, तो जेड इक्वल टू जीरो पुट करेंगे हम लोग, मतलब जेड इक्वल टू यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, और क्योंकि जेड का वैल्यू दिया जीरो दिया, और यहाँ पे कितना निकल जाएगा हम लोग पास टू आई, टू आई आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस टू एक्स, जे निकलेगा उसमें क्या आ जाएगा आपका प्लस क्या होगा टू एक्स प्लस टू वाई इंटू क्या आ जाएगा आपका के निकल के आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका। अब यहाँ से एरिया ऑफ प्लेन, ठीक है, मतलब द प्लेन एरिया, द प्लेन एरिया जो होगा आपका प्लेन एरिया पी, प्लेन एरिया क्या होगा पी, तो क्या होगा आपका यहाँ पे पी, इसका मतलब यहाँ से एन का जो वैल्यू आएगा आपका क्या होगा, देखें जो वैल्यू हम लोग के पास जीरो है, मतलब वो वाला पार्ट आ जाएगा, मतलब किया जाएगा, क्योंकि उसी के ये आपका नॉर्मल होता है, नॉर्मल आपका के जेड के अलॉन्ग में जाएगा, इसलिए आपका क्या आएगा ये किया गया आपका, ठीक है, ये वैल्यू आपका आ गया आपका। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर ले हम लोग, ठीक है, हम लोग को दूसरा वैल्यू देखें यहाँ पे क्या निकलना है, एन का रिस्पेक्ट में, तो हम लोग एन का एन का एन इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एन से क्या होगा आपका डेल क्रॉस ये इंटू क्या होगा आपका एन, एन का वैल्यू क्या आपका के, के का वैल्यू इसका मतलब बाकी सारा जीरो हो जाएगा, बाकी क्या आपका बचेगा टू एक्स प्लस टू वाई ही बचने वाला, सॉरी टू एक्स माइनस टू वाई, यहाँ पे माइनस होगा आपका, ठीक है, यहाँ टू एक्स माइनस टू वाई होगा, ठीक है, सिर्फ टू एक्स माइनस टू वाई ही बचेगा, इसका वैल्यू कितना निकलेगा टू एक्स माइनस, बाकी सारा क्या हो गया टर्म आपका जीरो हो गया। अब हम लोग डी एस, अब हम लोग इसे ये निकालना है हम लोग के पास, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा पी, और ये क्या आपका होगा नबला, ये आपका क्या है ये टू एन इंटू क्या आपका डी एस, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आपका वैल्यू पी, और इसका वैल्यू कितना निकाल के रखना है टू एक्स माइनस टू वाई, टू एक्स माइनस क्या होगा टू वाई इंटू टी वाई का डी एक्स का क्या होगा डी वाई। अब हम लोग के पास निकालना है क्या, अब यहाँ से जब वाई का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो बताइए इसका वैल्यू कितना निकलेगा, ठीक है, जब वाई का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे जीरो पुट करेंगे, इसको हम लोग इस तरह इधर ले आते हैं फॉर्मूला में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हम लोग पुट क्या कर देते हैं हम लोग इसको, इसको पुट कर लेंगे क्या हम लोग ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस क्या होगा एक्स ए स्क्वायर, ए स्क्वायर है प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका ए स्क्वायर, तो ये आपका एक्स माइनस ए का क्या होगा आपका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का, तो ये आपका क्या होगा सर्कल बन गया आपका, और सर्कल कहाँ पे होगा एक्स का कोऑर्डिनेट कहाँ होगा ए पर, तो इसका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा यहाँ पे क्या होगा जीरो से क्या आ जाएगा आपका टू ए तक आएगा, ठीक है, तो ये आपका जब वाई इक्वल टू जीरो पुट करेंगे यहाँ पे, तो वाई इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ये जो आएगा इसका रेंज क्या आ जाएगा जीरो टू क्या आ जाएगा आपका टू ही आ जाएगा, ठीक है, इसका मतलब पहला का रेंज हम लोग के पास निकल गया, ठीक है, पहला का रेंज हम लोग के पास निकल गया, ये पहला का रेंज ये निकल गया जीरो टू ये। अब हम लोग वाई का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, यहाँ से वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका एक्स का जो है, तो ये निकल गया आपका जीरो से टू ही, ये तो निकल गया। आप नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे, तो ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा हम लोग के पास टू एक्स क्या होगा आपका टू एक्स माइनस क्या होगा आपका एक्स का स्क्वायर, सो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस क्या होगा आपका टू एक्स माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक बार मिल गया हम लोग के पास, एक बार प्लस वैल्यू लेंगे यहाँ पे, मतलब प्लस वैल्यू होगा ऊपर में होगा, एक बार आप लोग के लेंगे माइनस वैल्यू क्या होगा हम लोग के पास
नीचे में हो। तो पहला का वैल्यू कितना आपका है, जीरो से टू है, तो ये आपका जीरो से क्या आएगा, टू है। और दूसरा का वैल्यू कितना है आपका, माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स माइनस क्या आपका है, एक्स का स्क्वायर। और अगला आपका आएगा क्या, टू एक्स प्लस क्या आपका एक्स का, सॉरी माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। और इसका वैल्यू कितना आपका है, टू एक्स माइनस क्या आपका टू वाई इंटू क्या होगा आपका डी एक्स इंटू डी वाई। तो सबसे पहले इसको आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ये एक्स के टर्म है, मतलब को पहले वाई के रिस्पेक्ट में कर लिया इसको इंटीग्रेशन। उसके बाद इसको वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, जीरो से टू ये आ जाएगा आपका। जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए आप, तो ये आपका आ जाएगा टू एक्स वाई माइनस क्या आ जाएगा आपका टू वाई स्क्वायर बाई टू, मतलब क्या होगा वाई स्क्वायर। और ये आपका वैल्यू कितना बैठेगा आपका, एक्स वाई की जगह में क्या बैठेगा, वाई इक्वल टू माइनस, वाई इक्वल टू क्या होगा माइनस टू ए एक्स, टू ए एक्स माइनस क्या होगा आपका एक्स का स्क्वायर। और वाई इक्वल टू क्या होगा आपका टू ए एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये वैल्यू हम लोग के पास, ये वैल्यू पुट हो जाएगा आपका। और ये जो बाहर में आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। तो हम लोग पुट करेंगे ये वैल्यू, ये वैल्यू हम लोग अपने पास पुट करेंगे तो आपको पास आ जाएगा जीरो से क्या आ जाएगा टू ए। और ये जो वैल्यू होगा हम लोग के पास एक्स टू एक्स और टू एक्स और वाई के बल जगह में क्या आ जाएगा आपका टू ए एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, मतलब क्या होगा आपका टू ए एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। फिर माइनस माइनस इसमें पुट करेंगे तो आपका क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो ये आपका टू एक्स और ये आपका आ जाएगा टू एक्स माइनस क्या होगा आपका एक्स का स्क्वायर। और दूसरा टाइम जब माइनस इसका 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 वैल्यू पुट करेंगे माइनस तक क्या होगा आपका, प्लस हो जाएगा आपका, फिर क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा आपका, प्लस होगा तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये टू एक्स आ जाएगा। और आपके आगे में माइनस है तो ये आपका हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा आपका, माइनस आके कितना हो जाएगा आपका टू एक्स माइनस क्या होगा आपका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये आर जी वैल्यू कितना निकलेगा आपका, ये जो वैल्यू अभी हम लोग इंटीग्रेशन किए नहीं है, क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको वैल्यू को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इंटीग्रेशन से, और वहाँ से फिर इसे इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। जब एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, हम लोग के पास यहाँ टोटल वैल्यू जो अभी जो आएगा हम लोग के पास क्या आ जाएगा, जीरो से टू ए ये आ जाएगा हम लोग का। और ये क्या आपका आएगा टू एक्स, ये टू एक्स आएगा, रूट अंडर क्या है आपका टू ए एक्स, टू ए एक्स माइनस क्या आ जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर, टू ए एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा आपका डी एक्स। और यहाँ पे प्लस होगा ये और ये आपका कट जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, तो आपका टोटल वैल्यू आपका ये आ गया। अब इसको अलग सॉल फोर एक्स आ जाएगा आपका, टू टू जब फोर मतलब यहाँ टू लिखते हैं। अब इसको आप इंटीग्रेशन करेंगे, आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे, पुट कर लेंगे जो भी वैल्यू पुटेंगे पुट करेंगे एक्स की जगह में, आपको पुट कर सकते हैं टू ए साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे आप, एक्स इक्वल टू क्या होगा टू ए साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हम लोग पुट करके जो भी इसका इंटीग्रेशन आएगा, हम उसको फिर बता देते हैं आपको, ये जो इंटीग्रेशन आएगा आपका क्या आ जाएगा टू पाई, इसका जो वैल्यू होगा टू पाई ए क्यूब आएगा इसका। थ्योरम से हम लोग का एप्लीकेशन सीखने वाले हैं, वो हम लोग जो सीखेंगे एप्लीकेशन और डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन एक हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम, तो इस चीज़ को आप देखेंगे ये एप्लीकेशन ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम। क्वेश्चन दिया हुआ है वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम, वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम, वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द फंक्शन, फॉर द फंक्शन, फॉर द फंक्शन एफ इक्वल टू वाई आई प्लस एक्स जे प्लस जेड स्क्वायर के, जेड स्क्वायर के, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन ओवर द सिलेंड्रिकल रीजन। यहाँ पे आपका कोई भी रीजन दे सकता है, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा आपका, यहाँ पे कोई भी रीजन आपको दे सकता है। यहाँ पे दिया हुआ ओवर द सिलेंड्रिकल रीजन, ठीक है, सिलेंड्रिकल रीजन बाउंडेड बाय, बाउंडेड बाय, बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर, ये आपका सर्कल है। ठीक है, और जेड इक्वल टू जीरो है, और इसका दिया हुआ है क्या एंड, एंड जेड इक्वल टू एच है, एंड जेड इक्वल टू एच है, ये आपका थ्योरम से यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब हम लोग को यहाँ पे वेरीफाई करना है डाइवर्जेंस थ्योरम का,
तो आपको पता होगा जो हम लोग का जो डाइवर्जेंस थ्योरम पर उसको हम आपको बता देते हैं। वी हैव डाइवर्जेंस थ्योरम, हम लोग क्या क्या चीज़ हम लोग को चाहिए डाइवर्जेंस थ्योरम को, तब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, ये आपका सरफेस चाहिए, फिर उसका हम लोग क्या कहते हैं रेंज चाहिए हम लोग के पास, और ये आपका क्या होगा, ये आपका एफ है, और ये इसके बाद क्या आपका नॉर्मल है इंटू डी एस इक्वल टू क्या होगा ट्रिपल इंटीग्रेशन भी, और ये आपका क्या होगा डेल रिवर्स डेल्टा डॉट एफ इंटू डी वी, ये सब वो टर्म्स चाहिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से सारा एक एक करके कैलकुलेशन करेंगे। मतलब डेल एफ, डेल का वैल्यू हम लोग निकालना पड़ेगा, ठीक है, एफ का वैल्यू, तो डेल का वैल्यू हम लोग को पता होगा क्या होता है, रिवर्स डेल इक्वल टू क्या होता है आई डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, फिर क्या होता है हम लोग के पास जी डेल बाई क्या होगा आपका डेल वाई, फिर क्या होता है आपका के क्या होगा डेल बाई डेल जेड, ये तो हम लोग का डेल का वैल्यू है। अब हम लोग को निकालना है एफ का, ठीक है, हम लोग के पास एफ का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या है एफ का वैल्यू देखिए, हाँ एफ का वैल्यू कितना दिया आपका वाई आई प्लस क्या आपका एक्स जी और प्लस क्या आपका जेड स्क्वायर क्या है के। अब दोनों को इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा नेबुला डॉट क्या आपका एफ, उसका दोनों को हमको वैल्यू को अगर कैलकुलेशन करेंगे क्या आएगा देखें, यहाँ पे सारा वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को, एफ का वैल्यू सारा अगर लिखेंगे यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा डेल बाई सॉरी आई होगा यहाँ पे, और ये आपका क्या होगा डेल बाई क्या होगा आपका डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स ये आपका हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा आपका, फिर हम लोग के पास जो निकले क्या आएगा आपका डे एफ हो जाएगा प्लस क्या होगा जी होगा, फिर डेल बाई क्या होगा डेल बाई ये आपका एफ हो जाएगा, फिर क्या होगा के होगा, फिर क्या होगा डेल बाई डेल जेड ये आपका क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। सारा एफ में वैल्यू पुट करेंगे और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे, तो जैसे ही आपका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे आई के साथ अगर डॉट करेंगे तो बाकी सारा तो खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है, ये मतलब आपको ये खत्म होगा आपका, तो यहाँ पे आई ही बचेगा आपका, ठीक है, अगर बाकी जी आई जी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कोई भी डिफ्रेंशिएशन होगा उसका मल्टीप्लाई करने पे आपका जीरो ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू आ जाएगा आपका देखें, यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका इसको आप वैल्यू जो है आपका डेल डेल यानी नबला बाई डॉट एफ का जो वैल्यू आपका निकल के आएगा वो क्या निकलेगा आपका, पहला जो होगा आपका आई, मतलब यहाँ पे आई यहाँ पे क्या हो जाएगा देखें आप, ये हम लोग एफ एफ को हम लोग क्या लेंगे वाई, क्योंकि आई इंटू आई तभी वन होगा, वाई वन होगा तब, बाकी अगर इसका कुछ भी हम लोग का डिफ्रेंशिएशन होगा इसका पार्शियली तो आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जे को तो आपका जीरो हो जाएगा, के को भी जीरो हो जाएगा, इसलिए उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को, हम लोग सिर्फ ये वाई का करेंगे तो वाई का क्या होगा आपका एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, फिर हम लोग जे का करेंगे तो भी जीरो हो जाएगा, जेड का करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका टू जेड, मतलब जीरो जीरो टू जेड आपका तो क्या आ जाएगा जीरो जीरो टू जेड आ जाएगा। तो पहला लिख देते हैं इसको जीरो प्लस जीरो प्लस टू जेड, आपका जो टोटल वैल्यू निकल गया आपका कितना निकल गया आपका टू जेड निकल के आ गया। अब हम लोग के पास जो है ये निकल गया हम लोग के पास, अब हम लोग को ये कैलकुलेशन करना है, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये आपका क्या है यहाँ पे भी है और ये आपका क्या है ये डॉट क्या आपका एफ होगा इंटू क्या है आपका देखें इंटू क्या है आपका डीवी क्या आपका डीवी, सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ से वैल्यू इसका जब पुट करेंगे क्या होगा आपका बताइए, यहाँ पे भी होगा और इसका वैल्यू कितना आपका टू जेड है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आपका टू जेड है तो यहाँ पे टू जेड लिखेंगे टू जेड, और यहाँ पे क्या होगा आपका डी जेड होगा फिर डी एक्स होगा फिर क्या होगा डी वाई होगा, ठीक है, तीनों है। अब हम लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे इसको, सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे जो पार्ट होगा सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें इस वैल्यू का वैल्यू आने वाला है, ठीक है, सबसे पहले क्या क्या वैल्यू आने वाला है वो चीज़ देखेंगे हम लोग, वाई का वैल्यू हम लोग देखेंगे, उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। अब यहाँ से एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ से वाई का जो वैल्यू क्या आएगा देखें, हम लोग रेंज खोज रहे हैं इसका, रेंज क्या आ जाएगा आपका, तो इसका रेंज क्या आ जाएगा आपका देखें, इसका सॉरी इसका जो लिमिट क्या आ जाएगा आपका क्या होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका वाई इक्वल टू क्या होगा आपका रूट अंडर प्लस माइनस वन ए टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला का तो निकल गया आप लोग के पास, बी वाला का तो निकलेगा आपका प्लस माइनस पे प्लस से आपका रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और दूसरा वैल्यू हम लोग को पुट करते हैं, दूसरा वैल्यू हम लोग के पास क्या चाहिए हम लोग के पास यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, जैसे कि आपका यहाँ पे अगर वाई का वैल्यू हम लोग को पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं हम लोग वाई का वैल्यू जीरो पुट करते हैं, तो वाई का वैल्यू अगर जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस ए, दोनों का वैल्यू हम लोग के पास निकल चुका है।
अब हम लोग इसका वैल्यू को पुट कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा हम लोग के पास, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ दो इंटीग्रेशन हम लोग का पहले होगा क्या होगा माइनस ए से लेके ए, और दूसरा इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा आपका माइनस रूट अंडर क्या होगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा आपका प्लस क्या होगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा आपका, इंटू क्या होगा आपका जेड, इसका इंटू क्या होगा आपका टू जेड, इंटू क्या होगा आपका टू जेड इंटू डिजेड, ये आपका टू जेड इंटू डिजेड होगा, और इसके बाहर भी जो आपका आ जाएगा इसका बाहर में क्या होगा अभी बाकी है इसका इंटीग्रेशन डी एक्स और डी वाई का इंटीग्रेशन लोगों के पास बाकी है। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, फिर हम लोग इसको डी वाई और डी एक्स का निकालेंगे, ठीक है। अब डी वाई डी एक्स लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, डी वाई डी एक्स लिखते हैं, उसके बाद हम लोग निकालेंगे, पहले हम लोग जेड के अकॉर्डिंग कर लेते हैं हम लोग, तो पहले इसको जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा आपका जेड स्क्वायर बाई टू, क्या आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर बाई टू, तो फिर आपका क्या आ जाएगा आपकी जेड स्क्वायर बाई टू मतलब माइनस ए से ए, तो आपका ये आ जाएगा जेड स्क्वायर बाई टू, तो जेड होगा और जेड स्क्वायर होगा, या फिर वैल्यू जो फुट होगा क्या फुट होगा वैल्यू इसका, तो वैल्यू फुट होगा आपका क्या माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आपका निकलेगा इंटू डी वाई इंटू डी एक्स, ये वैल्यू फुट कर दें आप, तो यहाँ पे जैसे वैल्यू उसका फुट करेंगे माइनस ए से लेके ए, और ये वैल्यू क्या होगा आपका ए स्क्वायर होगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस होगा माइनस होगा आपका इसका स्क्वायर, तो आपका होगा ए स्क्वायर, और ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस इंटू क्या होगा आपका डी वाई इंटू क्या होगा डी एक्स, ये वैल्यू हम लोग के पास आए। अब देखें यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग के पास जो कैलकुलेशन करेगी इसको, यहाँ पे क्या होगा कट के क्या आ जाएगा हम लोग के पास ए स्क्वायर सॉरी पूरा आपका पूरा का पूरा टर्म्स तो यहाँ पे कटने वाला नहीं है, यहाँ पे कुछ हम लोग का मिस्टेक है, यहाँ पे पूरा का पूरा टर्म्स यहाँ पे नहीं कटेगा हम लोग का, तो ये आपका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका इसका जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग के पास जो टर्म्स आएगा यहाँ पे पहला तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पुट किए, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या आपका किए माइनस ए स्क्वायर, फिर क्या होगा आपका माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, जब इसको पुट करेंगे हम लोग तो एच का स्क्वायर, ठीक है, हम लोग के पास जो वैल्यू निकल के आएगा हम लोग के पास वो क्या होगा टू जेड इंटू ए, सॉरी यहाँ पे हम लोग गलत किए हैं, पहला जीरो से एच होगा, हम लोग यहाँ पे गलत कर लिए हैं, एक और आपका तीन ट्रिपल इंटीग्रेशन है, ये आपका जीरो से एच में जाएगा, ये जीरो से एच में जाएगा आपका, ठीक है, ये हम लोग गलत किए यहाँ पे, ठीक है, एक इंटीग्रेशन देंगे यहाँ पे जीरो से एच, यहाँ पे आपका पुट होगा जीरो से एच, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन और बचा हुआ रहेगा आपका, ये बचा हुआ रहेगा आपका, ये वाला पार्ट आपका क्या होगा बचा हुआ रहेगा, यहाँ पे जीरो से क्या होगा एच होगा, अब इसको पुट करेंगे आप इसको, ठीक है, इसको पुट करेंगे माइनस ए से ए, और फिर क्या आएगा आपका देखें क्या आ जाएगा आपका माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू क्या होगा आपका डी वाई इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर लें आप, जब पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या होगा एच स्क्वायर, ये क्या आपका आ जाएगा एच स्क्वायर इंटू पाई ए स्क्वायर, ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है, जैसा आपका सिलिंड्रिकल है तो सिलिंड्रिकल सरफेस लेते हैं हम लोग, ये आपका सिलिंड्रिकल सरफेस है, ठीक है, ये वैल्यू जो है आपका ओके, ये हम लोग के पास एक्स है, ये हम लोग के पास क्या है जेड एक्सेस है, ये क्या आपका वाई एक्सेस है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग ये वाला सरफेस को हम लोग क्या मान लेते हैं एस जी मान लेते हैं, इस वाला सरफेस को हम लोग क्या मान लेते हैं एस टू मान लेते हैं, एस वन मान लेते हैं, और ये वाला सरफेस को हम लोग क्या मान लेते हैं एस टू मान लेते हैं, तो सारे सरफेस के अकॉर्डिंग आपको आपको सरफेस इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, सबको आपको ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद अगर इसका कैलकुलेशन का वैल्यू अगर आपका जैसे आपको जो वैल्यू निकाल के रखे हैं ये आपका उसके इक्वल अगर आ जाए तो जैसे एफ डॉट एन डी एस का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल आपका वैल्यू जो आपको निकाल के रखे उस वैल्यू का इक्वल आपका आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सरफेस एस वन के अकॉर्डिंग देखेंगे, फिर सरफेस एस टू का अकॉर्डिंग देखेंगे, फिर हम लोग सरफेस एस थ्री का अकॉर्डिंग समझेंगे इसको, ठीक है। तो पहला सरफेस हम लोग ले रहे हैं सरफेस एस वन, ठीक है, पहला हम लोग लिख रहे हैं लेट एस वन बी द बी प्रोजेक्शन, एस वन बी प्रोजेक्शन प्रोजेक्टेड लिखेंगे प्रोजेक्टेड
ऑन द वाई जेड प्लेन, कैसा कौन सा प्लेन में देखें, एस वन जो है आपका कैसा है वाई जेड प्लेन में, ठीक है, इन द वाई जेड प्लेन, मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका एक्स इक्वल टू क्या होगा जीरो एंड आर आर बी इट्स प्रोजेक्शन, आर बी इट्स प्रोजेक्शन, आर यहाँ पे इसका क्या है प्रोजेक्शन है। तो यहाँ से देखेंगे इसका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा हम लोग के पास सरफेस इंटीग्रल जो एस वन होगा, हम लोग सरफेस ले रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा एफ, ये आपका क्या होगा एन इंटू क्या होगा आपका डी एस वन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग के पास जो सरफेस आएगा आपका इसको आर ले रहे हैं, इसका मान लीजिए आर, इसका एफ होगा आपका, ये क्या होगा आपका एन, और इसका जो सरफेस होगा कैसा रिस्पेक्ट में होगा आपका, कौन सा सरफेस वाई जेड है, तो ये क्या होगा आपका डी वाई, और ये क्या आपका डी जेड होगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग क्या होगा एन एन को किसके साथ आई के साथ, ठीक है, हम लोग आई के साथ इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका देखेंगे इसका वैल्यू नॉर्मल वेक्टर कितना निकलेगा हम लोग, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर कितना आएगा देखें, एनी नॉर्मल सरफेस आपका दिया हुआ है इसका, एनी नॉर्मल सरफेस, नॉर्मल सरफेस कितना दिया हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए का स्क्वायर दिया हुआ आपका, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ आपका ए स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे इसका डेल इंटू क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका ए स्क्वायर, इसका कैलकुलेशन करेंगे आप, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कितना निकलेगा, आपको डेल का वैल्यू पता होगा क्या होता है डेल का वैल्यू, तो वहाँ पे हम लोग इस तरह ही आपको पता होगा ये, इसको हम लोग लिख सकते हैं आई, और ये आपका क्या होगा डेल बाय डेल एक्स प्लस क्या आपका जे, और ये डेल बाय डेल वाई, और प्लस क्या आपका के डेल बाय क्या होगा डेल जेड, ठीक है, और ये जो वैल्यू है उसको हम लोग लिखेंगे, ये वाला वैल्यू इसके साथ लिखेंगे, तो हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या होगा आपका टू एक्स होगा, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे टू एक्स लिखेंगे इसका, और यहाँ पे हो जाएगा आपका आई, और प्लस क्या होगा आपका वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा आपका टू वाई होगा, ये आपका जे, बाकी जाएगा आपका जीरो हो जाएगा आपका, तो ये वैल्यू हम लोग के पास निकलेंगे, और यहाँ हम लोग का यहाँ यूनिट नॉर्मल निकालने वाले हम लोग, यहाँ से देखें इसका यूनिट नॉर्मल टू एस वन क्या होगा, देखिए यहाँ यूनिट नॉर्मल नॉर्मल टू एस वन, यूनिट नॉर्मल क्या निकाल रहे हैं एस वन का निकाल रहे हैं आपका, तो यहाँ से जो वैल्यू होगा आपका क्या हो जाएगा एस वन निकालने का जो है आपका ये निकल जाएगा आपका टू एक्स आई प्लस क्या होगा आपका टू वाई जे, जो उसका फॉर्मूला होता है बाई क्या होता है मॉडुलस ऑफ क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा आपका क्या होगा टू एक्स का स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका टू वाई का स्क्वायर, दो आपका बाहर हो जाएगा एलसीएम देखेंगे कट जाएगा ये आपका, तो ये वैल्यू आपका जो निकल के आ जाएगा वो कितना निकलेगा आपका एक्स होगा, ये आपका एक्स होगा एल एक्स एक्स होगा आपका आई, और आपका क्या होगा वाई जे आपका डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ जाएगा टू तो कट ही जाएगा आपका, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये किसका इक्वल है देखें आपका दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसका इक्वल है ए स्क्वायर का इक्वल है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर होगा और ए स्क्वायर बाहर आके क्या बन जाएगा आपका ए बन जाएगा, ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया आपका एन का नॉर्मल वेक्टर आपका निकल गया, अभी नॉर्मल वेक्टर निकल गया आप लोग क्या निकालेंगे, ये आपका नॉर्मल वेक्टर निकल गया आप निकालेंगे एफ डॉट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, तो एफ का वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ था, एफ का वैल्यू हम लोग के पास था वाई आई, ठीक है, वाई आई अब प्लस क्या होगा हम लोग के पास वाई आई, और वाई आई प्लस एक्स जे, एक्स जे प्लस क्या होगा जेड स्क्वायर क्या होगा आपका के, ये वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगा, ठीक है, जेड स्क्वायर के ये वैल्यू आपको आ जाएगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको इसका वैल्यू पुट कर देते हैं इसको एक्स आई प्लस क्या होगा आपका वाई जे और प्लस क्या होगा आपका ए, मल्टीप्लाई कर दें इसको, जब इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका देखें वाई वाई के साथ जाएगा मतलब क्या होगा आपका एक्स वाई होगा, जे जे के साथ जाएगा क्या होगा आपका एक्स वाई होगा, बाकी सारा जीरो मतलब ये मतलब क्या आ जाएगा आपका टू एक्स वाई बाई क्या आ जाएगा ए, तो ये आपका वैल्यू कितना निकल गया टू एक्स और टू एक्स वाई बाई क्या आ गया ए आ गया, इसका जब मॉडुलस निकालने के किसका एन इंटू इसका, तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल जाएगा इसका देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसको वैल्यू क्या आ जाएगा आपका इसका वैल्यू क्या है एक्स आई प्लस क्या है वाई जे बाई ए, और ये डॉट क्या आपका आई, तो इसको मल्टीप्लाई करिए ये तो खत्म हो जाएगा आपका, ये क्या आपका एक्स बाय ए आ जाएगा, ठीक है, ये आपका एक्स बाय ए आ जाएगा। अब हम लोग सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं, ठीक है, अब हम लोग सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं किसका एस वन के रिगार्डिंग, सरफेस इंटीग्रल एस वन के रिगार्डिंग आप निकालेंगे, जैसे निकालेंगे यहाँ पे क्या होगा आपका जीरो, ये आपका आर हो जाएगा आपका, और जो वैल्यू हम लोग के पास निकाल के रखें उसको हो जाएगा ये क्या होगा आपका टू एक्स क्या निकाले हैं टू एक्स वाई इंटू डी वाई डी जेड डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका ए बाय एक्स बाय ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आपका क्या निकल के आ जाएगा आपका यहाँ पे वैल्यू जो निकल के आएगा आपका क्या आ जाएगा टू, टू तो बाहर आया आपका टू, जीरो से कितना आपका होगा एच, ठीक है जीरो से क्या होगा आपका यहाँ पे जीरो से एच है, पहला क्या आपका जीरो से एच है, दूसरा होगा माइनस ए से लेके ए, और यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है क्या होगा वाई डी वाई, यहाँ पे क्या होगा आपका वाई डी वाई, और ये क्या होगा आपका डी जेड। तो इसका कैलकुलेशन करें आप, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे आप तो कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, देखिए आप टू इंटू पहला टू इंटू ये आपका जीरो से क्या होगा आपका जीरो से क्या होगा आपका एच, ठीक है पहला आ जाएगा इसका जीरो से एच, और दूसरा में क्या होगा वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे वाई स्क्वायर बाई टू हो जाएगा आपका, ठीक है ये क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, और ये आपका क्या होगा जीरो से क्या सॉरी जी क्या होगा माइनस ए से, माइनस ए से लेके ए, ये आ जाएगा आपका इंटू क्या आ जाएगा आपका डिजिट, फिर इसको हम लोग तोड़ लें, इसको जब इसको तोड़ेंगे तो आप क्या आपका टू इंटू क्या आ जाएगा टू इंटू ए स्क्वायर बाई क्या होगा टू, और माइनस ए स्क्वायर बाई टू, माइनस ए स्क्वायर बाई टू इंटू क्या होगा आपका एच इक्वल टू क्या होगा पूरा क्या आ गया इसका सर्फेस एस वन के रिगार्डिंग में इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया आपका इंटीग्रल क्या आ गया जीरो हो गया। उसी तरह आप एस टू का लेंगे, इसी तरह करके आप एस टू लेंगे, इसी तरह करके आप एस थ्री लेंगे, ठीक है इससे एस वन एस टू एस थ्री का वैल्यू लेंगे आप, ठीक है एस वन एस टू एस थ्री का वैल्यू ले लेंगे आप, तो यहाँ पे वैल्यू आपका निकल जाएगा सारा, आप आराम से इसको सारा निकाल सकते हैं आप।